ऐसा कछु नायन, नव्या का वो मतलब नहीं था। इसे बस इतना लगता है कभी कभी कि आंचल अभी बहुत छोटी है ब्याह के लिए, और कछु नहीं। आप देखिए ना, बाकी तो घर में कितनी जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं हम लोग। कल तिलक भी है, फिर संगीत भी, बाहर लाइट टेंट सब कुछ लग रहा है, सब ठीक से ही हो ही रहा है। सच कह रही है ना? हम झूठ काहे बोलेंगे आपसे? अरे आपने तो दिल पे ले लिया मम्मी जी। और वैसे भी आलोक दुबे से झूठ छुपाए नहीं छुपता। चलिए बाहर मिलते मम्मी जी, आइए आप लोग। और आपका झूठ तो आलोक दुबे ने इस कैमरे में कैद करके रखा है। इतनी देर से आपसे बातें कर रहे हैं और जे भी पूछना भूल गए कि आप रेवे वाले कहाँ के हो। जी हम वो जूस। कर दीजिए, माफ कीजिएगा, पूरे कपड़े खराब कर दिए। जा बाथरूम में ले जा, साफ करवाए दे। नहीं नहीं, इट्स ओके। अरे चले जाओ, चले जाओ, शर्माओ नहीं, जाओ। ठीक, चलिए। चल चल चल, बैठो बैठो संजय जी, आप बैठो। तेरी माँ को भी तो समझना है कुछ। अरे दामाद जी आप आए। अरे 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 ये सब क्या खा रहे हैं आप? कचौड़ियां क्यों नहीं बनवाई? मैं अभी रेनुका से। रेनुका, रेनुका कहाँ है? जूस गिर गया डॉक्टर के कपड़न पे, तो बाबू भीतर लेके गई है। डॉक्टर? अरे हमारे मेहमान है पापा जी, हमारे साथ आए। अरे वो कचौड़ियां खाने हैं। ओह अच्छा, आपके मेहमान हैं। चलिए ठीक है, तो मैं जरा हाथ मुंह धो के आता हूँ। दीजिए ऑर्डर। नहीं, आपका बहुत एहसान रहेगा हम पे। आपने जिस तरह से बात को संभाला और सबके सामने हमें पहचाना नहीं, बस अब आप जी मत कहिएगा किसी को भी कि आप बदायूं से हैं, जीजी को शक हो जाएगा। रेनुका, एहसान की कोई बात नहीं है। अगर हमें ये पता होता कि कचौरी खिलाने आप ही के घर लाने वाले, हम कभी नहीं आते। सभी विनती और है आपसे, मेहमान भगवान समान होते हैं, और फिर भी हम ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से। क्या कह रहे हैं आप समझ सकते हैं? चले जाएंगे। नहीं नहीं, आप क्यों जाएंगे? मैं चला जाता हूं। आप क्यों? अब मुझे अपने बेडरूम में आने के लिए भी दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? जे तिवारी जी हैं और जे डॉक्टर राघव। बहुत नाम सुना आपका डॉक्टर राघव। दिल के डॉक्टर हैं, हर मर्ज की दवा है इनके पास। लेकिन हमसे मिलने का टाइम नहीं है इनके पास, क्योंकि इनको तो यहाँ पर इस घर में रेणुका के हाथ की कचौड़ियाँ खाने आना था, है ना?
क्या ही? का है ये जी? अच्छा जी, तिवारन जी को पता ही नहीं है कि ये क्या है जी, हैं? कोई टाइम बॉम्ब तो नहीं कि डॉक्टर साहब कहीं छुपा कर गए होंगे? भाई तोहफा है, हाथ में पकड़ा कर गए होंगे, हैं? लो। हमें नहीं पता कि ये का है, किसके लिए है और वो जी यहाँ काहे छोड़ के गए। अच्छा, तो मतलब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? ये जो इसके ऊपर लिख कर गए हैं, क्या लिखा है? दुनिया की सबसे प्यारी लड़की के लिए। किसके लिए? दुनिया की सबसे प्यारी लड़की के लिए। भाई डॉक्टर साहब के मन में तो आज भी तुम वही 27 साल पुरानी हो, हैं? तुम्हारे लिए देकर गए हैं, लो पकड़ो। नहीं खोलना। मैं ही खोल देता हूँ। देख सर, डॉक्टर साहब लेके के आए हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या रंग चढ़ा है प्यार का, हैं? सुर्ख लाल। वाह भाई वाह, हैं? अब बोलो कि डॉक्टर साहब ये लाल साड़ी मेरे लिए लेकर आए? ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, कदर करो इसकी। पहनो, लो पहनो पहनो, और सेल्फी खींचो, उन्हें भेजो, डॉक्टर साहब को भेजो भाई। अरे पहनो इसको और भेजो, हैं? वो फ्रेम कर कर अपने कैबिन में लगाएंगे और दिन रात तुम्हारा चेहरा देखेंगे। लो 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 लो, खींचो खींचो खींचो। क्या कर रहे हैं आप ये? आँख चुराने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी, समझी तुम? 27 साल से मुकुंद की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। क्या बात है भाई, पहले तो तुम छुप छुप के मिलती होगी, लेकिन अब मजनू की हिम्मत देखो, सीधा घर पे चला है तुम्हारे हाथों की कचौड़ियां खाने, तुम्हें लाल रंग की साड़ी पहनाने। और चालाकी ऐसी है उसकी कि घर के दोनों दामादों के साथ आया दोस्त बनकर, ताकि किसी को शक ना हो। बहुत बढ़िया चाल चली। वाह, क्या खेल खेला जा रहा है, हैं? कहाँ जा रही? अरे सुनो, कदर करो उसके प्यार की, खुल के कह दो आज कि तुम उससे प्यार करती हो, बोल दो, है? और कह दो कि तुम्हारा मेरे जीवन में आना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। बस कीजिए, बस कीजिए, अब जो कछु भी कह रहे उसका एक शब्द भी सच ना है। आइए डॉक्टर साहब, अंदर आइए। अरे देखो रेनू का कौन आया। अरे आइए डॉक्टर साहब, अंदर आइए, आइए आइए आइए। आप ही के बारे में हम बात कर रहे थे, आइए। आ गए डॉक्टर साहब, दिल के डॉक्टर आए हैं, दिल वालों के दिल का हाल पता करने। क्या बात है, रियली सॉरी। क्या है ना कि मुझे गाड़ी तेज चलाने की आदत है, मैं तो भूल गया आप प्रेग्नेंट हैं। अब बच्चा तो ठीक है ना आपका? दरवाजा खोले मुझे घर। अरे हम घर ही तो जा रहे हैं। देखिए आप दरवाजा खोले, मुझे जहाँ भी जाना हो मैं खुद चली जाऊंगी, खोलिए। नजर जी, प्रेगनेंसी में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। दरवाजा खोलिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? संजय और ऐश्वर्या के बारे में बताना चाहती हैं क्या बुआ जी को? ये बताओगी कि आपने अपनी आंखों से दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखा? इसका ये मतलब कि आपको सब पता था? पता था? अरे संजय दोस्त है मेरा, कुछ नहीं छुपाता बेचारा मुझसे, और दोस्त के संग संग मेरा बिजनेस पार्टनर भी तो है ना, बहुत ही भोला इंसान है, उसके कोई राज राज रहते ही नहीं है मेरे से। अपनी सारी बातें पूरी ईमानदारी के संग मुझे बताता है।
और आपको तब भी लगता है कि शादी होनी चाहिए? लगता है? मुझे पता है कि ये शादी होगी और ये तो मेरा फर्ज है कि इस शादी में कोई बाधा ना आए। But you know what? आपको मैं आंचल की जिंदगी तो बर्बाद करने नहीं दूं, शादी तो नहीं होने दूंगी। मेरे प्रिय मुकुंद तिवारी जी, मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। हम कब से आपको ये बात बताना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। आज बहुत दिनों बाद आपसे ये सच कह रहे हैं कि नव्या मां नहीं बन सकती। आपकी रेणुका सुमित्रा जीजी की सोच के कारण अब तक नहीं बता पाई, अब आपसे और झूठ नहीं बोल सकती। आदि जी, नव्या जी आपके साथ नहीं है। अब वो क्या है, वो संगीत के फंक्शन के लिए उसे कपड़े कलेक्ट करने थे। काम खत्म करके सीधे यहीं आ जाएंगे। आप लोग अंदर चलिए। जी जी, मैं देखता हूँ। आइए आइए। नव्या फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या बदतमीजी है? मुझे मेरा फोन। आदि को तुम्हारा सच बता दो या उस बेचारे से भी सब कुछ छुपा कर रखा है तुम सास बहू ने? आदि से मैं कुछ नहीं छुपाती, सब पता है उसे। तभी तो बेचारा दारू पीने लगा है, कमजोर दिल का है ना, सह नहीं पाया सब कुछ। फोन तो दीजिए मुझे, पता चल जाएगा कमजोर कौन है ताकतवर कौन है। खुद बताएगा वो घर वालों को आपकी सारी पोल। देखो नव्या, मेरा जो होगा ना सो होगा, लेकिन अगर आदि के संग कुछ गलत हुआ ना तो तुम सह नहीं पाओगे। पिछली बार का एक्सीडेंट याद है ना, वो तो अनजाने में हुआ दारू पी के। पर सोचो, इस बार अगर सच में कोई ट्रक उसकी बाइक के सामने आ गया तो उसका क्या होगा? सोच लो नव्या, एक शादी बचाने के लिए कितनी जानों को मुश्किल में डालोगी, अपनी खुद की, अपनी सासू माँ की और इकलौते अपने पति की। खुद तुम में है, बच्चा तुम नहीं पैदा कर सकती और भुगते हैं फैमिली के सारे लोग। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आदि और सासू माँ को इन्वॉल्व करने में, क्या है ना, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा मजा। नव्या फोन क्यों नहीं उठा रही है? हाँ जान, कहाँ हो? ना तो तुम कॉल उठा रही हो ना कर रही हो, सब ठीक है ना? सॉरी बेबी, वो साइरन पे था, मैं वहीं पहुंच रही हूँ, वहीं आके मिलती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है जान। वाह, कितनी पारिवारिक और संस्कारी बहू है नव्या। नहीं, क्या बात करनी थी आपको तिवारी जी से? काहे बुलाया उन्हें यहाँ? देखिए रेणुका, मैं तिवारी जी से अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए मिलना चाहता था। तुम्हारे लिए हमें बुरा लग रहा था इसलिए। क्या बुरा लग रहा है और काहे क्या लगते हैं हम आपके? रिश्ता का है हमारा? उस दिन अचानक बाजार में इतने सालों बाद मिल गए, फिर हमारे घर चले आए। मानते हैं कि आप नहीं जानते थे कि वो हमारा घर है, पर उसके बाद जब जान गए तो दोबारा आने की क्या जरूरत थी?
और जब हम आपको दोबारा अपने घर से जाने को कह चुके थे तो उसके बाद क्या बचा है जो आपको हमारे पति को बताना है? क्या बात करनी है आपको उनसे? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आपको हमारी इस हालत को देखकर मजा आने लगा है? रेणुका तुम ये क्या कह रही हो? एक मिनट, कहीं आपने ही तो इतने सालों पहले तिवारी जी के मन में जो शक नहीं डाला, कहीं वो आप ही तो नहीं है जिसके कारण हम पिछले 15 सालों से ऐसा जीवन काट रहे हैं और इतने सालों बाद अब आप कहां देखने आए हैं कि हम पूरी तरह से बर्बाद हुए कि नहीं? और अगर नहीं हुए तो कर देते, काहे हमारा जीवन, हमारा बसा बसाया घर बर्बाद कर देना चाहते हैं, उजाड़ देना चाहते हैं? रुको, बस हम चुप हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें जो मन में आए बोलती चली जाओ। तुम्हें जितना बोलना था बोल चुकी हो, अब हम बोलेंगे, तुम सिर्फ सुनोगी, तुम सिर्फ सुनोगी। सबसे पहले ये जानो कि हम शादीशुदा हैं और हम अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में। तुम जानना चाहती हो ना कि क्या है हमारा रिश्ता? सुनो, प्यार करते थे हम तुमसे, शादी करना चाहते थे हम तुमसे, तुम्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि तुमने आज तक अपने आप को भुलाकर अपने पति, अपने परिवार और अपने बच्चे की सिर्फ सेवा की, और उस आदमी ने ना उसको देखा, ना समझा, ना उसकी इज्जत की। अरे इसलिए मिलना चाहते थे ताकि तुम्हारा घर बचा सके, लेकिन नहीं। ठीक है, अब मन कर रहा है कि हम तुम्हें पुराने से जानते हैं, एक ही शहर के हैं, तो एक सलाह जरूर देते, भूल जाओ, छोड़ दो उस मतलबी, उस शक्की आदमी को जो एक पति प्रता स्त्री पर शक करे, दूसरों के सामने अपनी पत्नी को जलील करे। यू डोंट डिजर्व इट। अरे ऐसे कमजोर आदमी को तो तुम्हें बस डॉक्टर, जिस आदमी के बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमारे पति हैं। और इस जन्म में हमें उनसे कोई अलग नहीं कर सकता, हम खुद भी नहीं। और जानते कहां हैं आप उनके बारे में? हाँ, बस ऊपर ऊपर से जो देखा, समझा, सुना, उससे उनके बारे में राय बना लिए। हम जानते हैं उन्हें, उन्होंने जीवन का हर सुख दिया है हमें। और रही बात गलत करने की, तो अगर अपनी पत्नी को लेकर आपके दिल में भी अगर ऐसी कोई बात होती, थोड़ा बहुत नाराज तो आप भी होते डॉक्टर साहब। हमें पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल हम अपने रिश्ते को ठीक कर ही लेंगे। हम बहुत प्यार करते हैं तिवारी जी से, जितना कल करते थे उतना ही आज भी करते हैं, और हमारा रिश्ता उनके साथ जन्मों जन्मों का है। अपना प्यार साबित करने के लिए हमें किसी की मदद की कोनो जरूरत ना है, आपके भी नहीं। इंसानियत की बात आप कर रहे थे, उसी इंसानियत के नाते एक आखिरी विनती करना चाहते हैं आपसे। रेणुका, कभी भी दोबारा आपका आग्रह आना हो तो भूल जाइएगा कि यहां की गलियों में
का और मुकुंद तिवारी के नाम से कोई रहता है। जी कब से जागरण बैठी, आपने एक चाय तक नहीं पी है। नव्या देखिए आपने नाश्ता ला रही है, अब बैठो 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 आप बैठो। अरे आदि बैठो। अरे आदि कुछ खाइए। अरे बेटी के ससुराल में पानी तक ना पी सके, चाय नाश्ता तो दूर की बात है। बुआ जी सारी बातें पुरानी है, आपको सुबह तक जागने थोड़ा तो खा लीजिए। तू तो बीच में पी बोले तो कहा पता है रीति रिवाजन के बारे में। बिल्कुल सही कहा बुआ जी आपने, ये आजकल की लड़कियों को बुजुर्गों के मान सम्मान रीति रिवाज के बारे में कहाँ पता होता है। और तो और ये गुड न्यूज देने को तब राजी हुई जब आपने इसकी चाबी भरी। ये देखो ये समझे हमारे दिल की बात। देखिए जिया जी संस्कारों के पीछे अपनी तबीयत थोड़ा खराब कर लेंगी, मतलब इस उम्र में कुछ बिना खाए ना पिए। मालूम है इसीलिए आलोक दुबे ने उसका तोड़ निकाल लिया। लाओ बुआ जी नाश्ता जरूर करेंगी। देखो बुआ जी क्या है कि बेटी के ससुराल में माता का प्रसाद समझ के आप इसे खाइए और जाते वक्त दामाद जी के हाथ में शगुन दे दीजिए। इससे आपके मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा और बुजुर्गों का मान सम्मान भी रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये खाएंगी तो आपके इस दामाद को बहुत अच्छा लगेगा। ये तो आपने बहुत ही सुंदर बात कही है। नसीब वाले हैं हमारे लल्ला जो आप जैसे दामाद मिलो है। यही बात से तो जब आप आंचल के लिए रिश्ता लेकर के आए तो हमने आंख बंद करके हाँ कह दी। आंचल को भांग संवारती हो आपने। बुआ जी तो आलोक जिया जी को पकवान समझती है, ऐसे में मैंने सच बता भी दिया तो ये भरोसा ही नहीं करेंगे। मैं एक मिनट में। नव्या अरे आदि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, आ जाइए हो बुआ जी को नाश्ता कराओ, तुम भी करो ठीक है। जय माता दी। अम्मा जी पाए लागू। मामा जी पाए। बस बस बस। मामी जी। फोन आया जाके बाबू जी का केदारनाथ से, कह रहे हैं वहाँ बर्फ गिर गई है और रास्ते बंद है गए। अरे हाँ तो गुरु जी के संगे रुकना पड़ोगे कुछ दिन। इसका मतलब शादी में नहीं आ पाएंगे जीजा जी? क्या करें, तू जा हाथ धोते तैयार है ले, रस्म शुरू होने वाली है बान चढ़ाई की और हल्दी की, चल चल जल्दी जा। जाओ जाओ चले तैयार है पीछे। और मम्मी से बात करनी होगी, आंचल के साथ गलत नहीं होने दूंगी मैं। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ तो बोलो।
इस हालत में ज्यादा देर तक झुक के बैठ लो ठीक ना है तेरे लिए। चल खड़ी हो जा। ये लो आ गए आलोक दुबे हल्दी लेके दूल्हे के घर से। आलोक जी आप भी ना हर वक्त काम में बिजी रहते हैं। आपने सुबह से कुछ खाया पिया है भी या नहीं? अंदर चल के आपके साथ बाण की रस्म भी करना है। चलिए। अरे अब क्या करें, दोनों परिवार की जिम्मेदारी हमें ही लेनी पड़ रही है। तो भाई चले गए संजय जी के यहाँ और ले आए शगुन की थाली। अरे ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने। आपके सुबह आसन से आई है आंचल के लिए हल्दी, तो बाकी सब काम भी सुबह सुबह ही होंगे। मैं हल्दी किसी भी हाल में आंचल को नहीं लगने दूंगी। अरे खड़ी खड़ी देख कर रही है, भाभी कर रहे हैं शुरुआत हल्दी की। चल हल्दी ले ले और लगाना शुरू कर। ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? जा। पैर में जोड़ क्या? उठो उठो चलो इसको लेकर चलो जल्दी 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 जल्दी। बैठो बैठो, तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे ना? मैं पानी लेके आता हूँ ठीक है? इतना बड़ा सकुन कर दियो बेवकूफ थे मैं। वाजी सॉरी, वो पता ही नहीं चला कैसे पैर फिसल गया। पांव जब भारी हो ना तो फिसलने नहीं चाहिए। अरे गलती तो हमारी है जो सबसे पहले जाके हाथ में हल्दी दे दी। दूल्हे के घर से आई हल्दी नहीं लगेगी तो रस्म पूरी कैसे होगी? कटोरी में जो हल्दी है उसमें घर की हल्दी मिक्स कर देते हैं। हाँ। अब बुआ जी रसम तो पूरी करनी पड़ेगी ना। मम्मी आप अंदर चलिए, मुझे हल्दी दे दीजिए। हाँ मैं उसमें मिला लेती हूँ। चलिए जल्दी। कहाँ चली गई जी? नाल जुड़ी है तुम सास बहू की। मेरी दोस्त की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हॉस्पिटल जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। अकेले कछु करना होगा। रेणुका तिवारी बोल रहे हैं, दाऊजी मंदिर में मिले थे। अरे रेणुका जी कैसी हैं आप? अरे आपको कैसे भूल सकते हैं, अगर आप नहीं होती तो उस दिन मेरा बच्चा जमुना जी में बह जाता। बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए? हमें आपकी मदद की जरूरत है।
हम इतना चाहते हैं कि आप अपनी वर्दी का रौब दिखाए के सच्चाई को सामने ले आए और जी शादी होने से रोक दें। और एक बात और, इन सब में हमारी जीजी पर कोनो आंच नहीं आनी चाहिए। वो पुराने ख्यालात के जरूर हैं पर उनका कोनो कसूर नहीं है इसमें। नाम क्या है लड़के का? संजय भारद्वाज। अरे मामी जी, आप यहाँ चुप चुप कर किससे बात कर रही हैं? अम्मा जी कब से ढूंढ रही हैं आपको? चलिए। हाँ, वो बस हम आदि को फोन करके पूछ रहे थे कि जयमाला की माला मिली कि नहीं, और यहाँ कुछ काम भी था। चलो। संजय भारद्वाज, ये तो एसपी साहब का दोस्त है ना? कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। भूपेन, लेफ्ट लो। जवानी लड़ी जहाँ जा जगह है। हाँ ये जहाँ जगह, जल्दी 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 अच्छे से कर दियो। हाँ, अच्छा भैया। हाँ भैया। सुनो, इसे कहीं संभाल के रखो, कहीं ऐसा ना हो कि बारात दरवाजे पे खड़ी और हम माले ढूंढते रह जाएं। हाँ भैया, हाँ 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 हाँ। भैया को भी अभी तक आ जाना चाहिए था, फोन भी नहीं उठा रही है। अरे आदि भैया, अरे हमें हलवाई के पास चलने हैं। अम्मा जी ने कही है कि एक एक आइटम तुम्हें चख के पसंद करने हैं। ठीक, चले। चलो चलो आओ। कुछ नहीं जी, बस रेणुका नजर नहीं आ रही। हाँ तो यार फयार है रही होगी। चेन बदलवा ली? हाँ यही ना। जाने का है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ जरूरी काम है रेणुका से तो जीजी बता देगी। ऐसा भी कोई जरूरी काम नहीं है, बस जरूरी काम ना है तो तुम इस ब्याह के काम पर ध्यान दे ले। कपड़ा बदल के धर्मशाला पहुंच जाए जल्दी से, बारात पहुंचने वाली है। जरवाज से में चाय पानी पूछने खातिर कुछ में पर आदमी होना चाहिए कि ना? ठीक है जी, मैं बस कपड़े बदल लेता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ। मैं धर्मशाला। हाँ।